सेगमेंट का दो बेहतरीन 4K स्मार्ट टीवीज, हाइसेंस A7H जो कि है हाइसेंस टर्नाडो 2.0 और व्यू ब्लूलेट स्मार्ट टीवी, ये दोनों बेहतरीन स्मार्ट टीवी में से अगर आपको एक 4K स्मार्ट टीवी चूज करना है तो वो कौन सा होगा? अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है, डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखते रहिए। इन दोनों टीवी का करेंगे हम कंपैरिजन और ये वीडियो एंड होने से पहले डेफिनेटली आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेक फिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी फिलहाल इन दोनों टीवी के डिजाइन के बारे में बात करें, लुक्स के बारे में बात करें, दोनों में दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको बेजललेस डिजाइन तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे व्यू का डिजाइन थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हाइसेंस में नीचे जो बड़ा सा साउंड बार दिया गया उसके लुक्स को बिगाड़ देता है। ऑडियो अच्छा बन जाता है दोस्तों, लेकिन लुक्स को बिगाड़ देता है, तो इसलिए व्यू में थोड़ा लुक्स अच्छा रहेगा। तो अभी डिस्प्ले के बारे में बात करें, पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको हाइसेंस में IPS पैनल मिल रहा है विथ डिलेड बैकलाइटिंग, बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे व्यू में सेम डिलेड बैकलाइटिंग मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये आपको डिलेड और क्यूलेड के बीच वाला पिक्चर क्वालिटी देगा। हाँ दोस्तों, डिलेड से थोड़ा बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 94% NTSC कलर गैमेट देखने को मिलता है। तो दोनों ही टीवी में आपको 4K रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, उसके अलावा बाकी सारे वीडियो फॉर्मेट दोनों ही टीवी सपोर्ट करता है दोस्तों, HDR 10+, HLG, Dolby Vision सभी को सपोर्ट करता है, आप अपने फेवरेट OTT ऐप में ये सब यूज कर पाएंगे। जब ये वीडियो फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे दोनों ही टीवी में आपको 400 nits का ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन व्यू ग्लोलेट में तो आपको 400 nits का पीक ब्राइटनेस मिल रहा है, यहाँ पे हाइसेंस में 400 nits का सस्टेन ब्राइटनेस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल में बोलूं तो यहाँ पे हर जगह में आपको यूनिफॉर्म ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी बात है। और जब आप स्पोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये दोनों टीवी परफेक्ट है क्योंकि उन दोनों टीवी में आपको MEMC, ऑटो लो लेटेंसी मोड और गेम मोड भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाइसेंस में पिक्सल ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी एक दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सीन ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे व्यू में एक अलग चीज दिया गया है जो कि ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीन नहीं बल्कि सराउंडिंग लाइट को लेके, आप जहां पे बैठ के टीवी देख रहे हैं अगर वहां पे अंधेरा है तो टीवी का ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाएगा, अगर वहां पे ज्यादा लाइट आ रहा है तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। स्मार्ट ऑटोमेटिक एम्बिएंट लाइट सेंसर दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है जिसके मदद से ये सब हो रहा है, जो ये एक अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे पिक्सल ट्यूनिंग दिया गया है, दोनों अलग अलग काम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक फीचर है, यहाँ पे एक फीचर है। तो डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी में मैं बोलूंगा दोस्तों दोनों का नेक टू नेक कंपैरिजन है, लेकिन दोस्तों जो कलर रिप्रोडक्शन है, कलर कंट्रास्ट रेशियो है, वो दोस्तों ज्यादा अच्छा आपको हाइसेंस टर्नाडो 2.0 में देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू व्यू ग्लोलेट। पिक्चर क्वालिटी डेफिनेटली नेक टू नेक है, लेकिन थोड़ा आगे रहता है हाइसेंस का टीवी। और हाँ, यहाँ पे हाइसेंस में आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जबकि व्यू में नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। यहाँ पे आपको VRR भी मिल रहा है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जबकि आप गेम वगैरह अगर खेल रहे हैं तो ये 120Hz तक तो नहीं, 40-60Hz तक वेरिएबल रिफ्रेश रेट यूज हो पाएगा। और अपस्केलिंग के बारे में अगर हम बात करें, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सा वीडियो अगर देख रहे हैं 4K टीवी में, बड़ा सा टीवी में, तो अपस्केलिंग दोनों टीवी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाइसेंस में थोड़ा बेटर अपस्केलिंग दिया गया है एज कंपेयर टू व्यू। तो डेफिनेटली दोस्तों पिक्चर क्वालिटी और व्यूइंग एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो हाइसेंस में थोड़ा बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा एज कंपेयर टू व्यू। और अभी ऑडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको हाइसेंस में 102W का ऑडियो आउटपुट टोटल मिल रहा है, जहाँ पे आपको 2 फ्रंट फायरिंग टूटेस मिल रहे हैं और 4 डाउन फायरिंग फुल रेंज स्पीकर्स मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमको व्यू में 104W का ऑडियो आउटपुट मिल रहा है टोटल 5 स्पीकर्स के मदद से, जहाँ पे आपको एक अटैच सबवूफर देखने को मिलेगा। देखिए ये जो 2W का डिफरेंस है, यहाँ पे 102, यहाँ पे 104, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइसेंस में JBL का साउंड सिस्टम दिया गया है, तो डेफिनेटली अगर आप ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको हाइसेंस में बेहतर क्वालिटी मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे सबवूफर दिया गया है तो आप बेस वगैरह थोड़ा अच्छा सुन सकते हैं, लेकिन क्वालिटी, ओवरऑल ऑडियो का जो क्वालिटी है वो हाइसेंस में बेटर आएगा। और अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाइसेंस में आपको क्वाडकोर प्रोसेसर मिल रहा है, व्यू में आपको ग्लो AI प्रोसेसर मिल रहा है जो कि डुअल कोर है, तो डेफिनेटली क्वाडकोर में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये 19-20 का फर्क है, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोनों टीवी में आपको
आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है दोस्तों, ये गूगल टीवी है। दोनों टीवी में आपको 2GB का रैम मिल रहा है, 16GB का इंटरनल मेमोरी मिल रहा है। दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट मिल रहा है, जिनमें से एक में आप ERF का सपोर्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ 2 USB पोर्ट भी देखने को मिल रहा है। ब्लूटूथ दिया गया है, डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है, गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, रिमोट में सारे हॉटकीज मिल रहे हैं, सब कुछ दोस्तों सेम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हाइसेंस में एक अच्छा चीज दिया गया है, रिमोट फाइंडर यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन। अगर आप रिमोट कहीं पे रख दिए हैं, खो गया है, ज्यादातर होता है दोस्तों ऐसा, तो टीवी के नीचे एक बटन दिया गया है जिसे प्रेस करके आप अपने रिमोट को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों व्यू में भी एक एडिशनल फीचर दिया गया है। एडिशनल फीचर क्या है, ये होना चाहिए इस टीवी में, जो कि ये हैंड फ्री माइक, जो कि यहाँ पे हाइसेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, व्यू में दिया गया है। ये होना चाहिए दोस्तों इस रेंज के स्मार्ट टीवी में, व्यू में दिया गया है, अच्छी बात है। और अभी फाइनली इसके प्राइस के बारे में बात करें तो हाइसेंस टर्नाडो 2.0 का प्राइस है 55 इंच वाला वेरिएंट का 44,999 रुपीस, जबकि व्यू ग्लो लेड टीवी का प्राइस है वही 55 इंच वाला वेरिएंट का 38,999 रुपीस। दोस्तों यहाँ पे 6,000 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको 6,000 ज्यादा देके हाइसेंस टर्नाडो 2.0 खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीज में व्यू ग्लो लेड से अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी के मामले में, ऑडियो के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में और बाकी बहुत सारे चीज़ों में। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको 6,000 ज़्यादा देके हाइसेंस टर्नाडो 2.0 खरीदना चाहिए, तो ये कंपैरिजन का विनर बन जाता है हाइसेंस टर्नाडो 2.0। तो अगर आपके मन में कन्फ्यूजन अभी है तो मैं इन दोनों टीवी का सेपरेट रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ऊपर आई बटन में वो लिंक आ जाएगा, वहां पे जाके आप डिटेल रिव्यू इन दोनों टीवी का देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज कीजिए। तो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।